भाई मैं गांव जा रहा हूँ, जाऊँ ना? जाना है, पका गया रहेगा, जा जल्दी जा। गजब बेइज्जती है, गजब बेइज्जती है, मेरे को मिस नहीं करेगा तू? मिस कौन करेगा भाई, अच्छा है, राहत मिलेगी। बाप रे बाप यार, ऐसे दोस्तों तो दुश्मन की कोई जरूरत नहीं होती है। वैसे भाई सही बता दे, यार मिस करेगा ही नहीं। यार लगेज देख रहे, ऐसा लग रहा है एक दिन के लिए नहीं मतलब साल के लिए जा रहे यार हम लोग। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो कैसे हो आप लोग, होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सर बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू और फ्रेश व्लॉग में। सर मैं इतने दिन से बोल रहा था, मेरी हैप्पीनेस आप लोगों को पता ही चल गया, और आप लोग ने थंबनेल देखा तो आप लोगों को पता ही चल गया। मैं इतने दिन से बोल रहा था कि मैं गाँव जा रहा हूँ, तो वो टाइम आ ही गया है। सर अभी हम लोग गाँव जाने के लिए बस निकलने वाले, कुछ अभी बज रहे हैं 8:30, सो हम लोग निकलेंगे। जो भी अगर आप लोगों को सारी चीज़ें पता हुआ, फिर हम लोग घर में दो जन के रिएक्शन लेते कि लोग मेरे को मिस करेंगे या नहीं करेंगे। तो चलो चलते हैं। तुम्हें तुम्हें को मिस करेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दिल से बुरा लगता है यार। मिजा तू मेरे को मिस करेगा? मेरे को मिस करेगा? करेगा तू? करेगा भाई मिस? तू करेगी तमीना? करेगी ना? यार देखो यही इज्जत रहती है यार, घर में कोई मिस ही नहीं कर रहा है, मगर हमें उससे क्या मतलब। हम लोग जा रहे अपने गाँव और बहुत सारे इंजॉयमेंट करेंगे, अकेले चाय जो भी आएगा हम लोग देखेंगे। तो हम लोग बस निकलने वाले, जो सारी चीजें आप लोग को दिखा, मैं मिस करूंगा बहुत। थैंक यू। तो गाइस चलिए हम लोग निकलते हैं, आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाऊंगा। सब लोग बने रहे हैं, ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होगा। वैसे मैं दो पार्ट में कवर करूंगा और मैं ब्लॉग थोड़ा छोटा बनाऊंगा, और लाइटिंग का इशू रहेगा तो आप लोग उसे मैनेज करेंगे। छोटा इसलिए बनाऊंगी यार, नेट रहेगा नहीं, बड़ी वीडियो रहेगी तो ज़्यादा चलेगी। तब भी मैं बहुत जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगा और अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग बने रहिएगा और देखिए। सो गाइस ऑफ फाइनली वो टाइम आ गया, अभी हम लोग लिफ्ट में बस, अभी हम लोग नीचे उतर रहे, नीचे कार है। देखो यार पेन लेके घूम रहे हो, पेपर भी देना। चलो मेरे को नीचे चलते और देख। तो यार देख रहे हो मतलब अगर हम लोग गांव जा रहे हैं तो सारा लगेज ना मेरे को उठाना पड़ता है, क्योंकि मैं ही हूँ ना बड़ा, बड़े का बड़ा ऊपर, आप लोग समझते रहेंगे। तो ये मुझे इतना उठा रहा नहीं। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं लगी हुई है लाइटिंग का इशू। चलो ये हम लोग चलते और रखते। सो गाइस मैं ना आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ कि लाइटिंग का थोड़ा इशू है, क्योंकि यार रात में ब्लॉगिंग करना आप सबको तो पता ही होगा, मैं फोन से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। सो जो भी लाइट का इशू है मैं उसको लाइट अप करने की कोशिश करूँगा, अदरवाइज नहीं हुआ तो आप लोग सब मैनेज कर लेना। सो यहीं पर अभी कार लगी, सभी बस हम लोग निकलने वाले हैं। सो हम लोग चलते और देखते हैं, बहुत मज़ा आने, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। तो चलते देखते हैं, देखते हैं। अभी सब मैं अकेले बैठे हुए बताया, कोई आया नहीं यार, लाइटिंग का बहुत ज़्यादा इशू, बस आप लोग सब मैनेज कर लेना, मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ। सो अभी चलते हैं। फाइनली मार्क्स उतार देता हूँ। सो इधर भी हम लोग फाइनली स्टेशन में पहुँच चुके हैं, सारा लगेज आप लोग सब देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने लगेज रखे, और अभी हम लोग 10 बज रहे हैं, अभी हम लोग पहुँचे तो आधा घंटा जल्दी आ गए, तो अभी ट्रेन आएगी। सो अभी हम लोग ट्रेन में बैठेंगे, सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगा, डोंट डिस्टर्ब, ओके? क्योंकि मैं ब्लॉगर और ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे थोड़ा देर, और जैसी ट्रेन आएगी आप लोग सबको दिखाऊंगा, और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाली है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। चलो मार्क्स पहन कर, फाइनली हम लोग सब स्टेशन पर पहुँच चुके हैं। एज यूजल ट्रेन है लेट, सो भी हम लोग को एक घंटा वेट करना पड़ेगा। यार बैकग्राउंड आप लोग सब देख सकते हैं, इस वजह से मैं ज़्यादा जोर से तो नहीं बोल सकता, मगर आप लोग सब एडजस्ट कर लेना इस साउंड में। सो यार जब तक हमें वेट करता, थोड़ा कुछ खाएंगे पिएंगे, और बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। हम लोग ट्रेन में जाएंगे, और जो भी ट्रेन में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। वैसे दो पार्ट आने वाले, एक ट्रेन तक का, फिर एक ट्रेन से लेकर मेरे गाँव वाले घर तक। सो आप लोग बने रहिएगा और देखते रहिएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। यार फाइनली हम लोग सब कोई ट्रेन में बैठ चुके हैं यार। सो पता है लाइटिंग का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, सो मैं सोचा था कि ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगा, मगर अभी भी आप लोग देख सकते हो क्लैरिटी बहुत ज़्यादा गंदी आती है, क्योंकि मैं फ्लैश लाइट से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ यार। मैं क्या ही बताऊँ, फ्लैश लाइट भी आते जा रहा है। सो गाइस दैट इज़ फॉर टुडे, फॉर दिस ब्लॉग इतना ही सही है। मैं सोचता हूँ जो ये ब्लॉग ना मैं कंटिन्यू करूँगा, वो भी कल सुबह में, पार्ट वन ये रहेगा और पार्ट टू कल आएगा। तो आप लोग पार्ट टू के लिए रेडी ना, पार्ट टू मतलब कल नहीं तो अदरवाइज मैं परसों तो डाल ही दूंगा, कि कल का मैं पूरा दिन दिखाऊंगा आप लोग को, आप लोग को ज़्यादा मज़ा आएगा। होप आप लोग को ये ब्लॉग भी पसंद आया हो, और आप लोग को ब्लॉग पसंद आया हो तो आप लोग क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप लोग सबको पता चलेगा कि यार देखो इतना एडजस्ट करके मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग जस्ट लाइक जो भी मैं कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आप लोग को दिखाऊँ। होप आप लोग अच्छे रहो, और इस ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, तब तक बाय बाय।
टू बी कंटिन्यू नेक्स्ट। जरा सबर करो भाई, उवेश सो गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वैसे भाई सही बता दे, यार मिस करेगा ही नहीं भाई जी। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।